हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले नाउन की क्लास वन और क्लास टू दी जा चुकी है, अगर आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जा रहे हैं। तो आज के नाउन के क्लास थ्री में हम लोग कॉमन नाउन के बारे में डिटेल से बात करते हैं। कॉमन नाउन का डिफिनेशन समझते हैं। इट शोज द कास्ट एंड क्लास, इससे कास्ट और क्लास का पता चलता है। और इट इज़ कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये एक कॉमन नाम होता है जो पर्सन, व्यक्ति, स्थान या वस्तु को दिया जाता है। इससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जाति का बोध होता है। और क्लास, क्लास मीन्स श्रेणी का। तो बहुत सारी चीज़ों को क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो जब तक वो वर्गीकृत रूप से व्यक्त करते हैं किसी चीज़ को, तो उसे हम लोग कॉमन नाउन में रखते हैं। लेकिन जब वो स्पेसिफिक हो जाते हैं, पार्टिकुलर हो जाते हैं, तो कॉमन नाउन से हट करके उन्हें हम लोग प्रॉपर नाउन में लेकर चले आते हैं। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें जो कॉमन दिखती हैं वो कॉमन नाउन में ही आता है। तो एग्जांपल देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ये बिल्कुल कॉमन नाउन है, कॉमन नेम है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक में अगर इन्हें एक पर्टिकुलर नाम दे दें, जैसे स्प्राइट, पेप्सी, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्लैनेट देखें, प्लैनेट ये आपका कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी स्पेशल प्लैनेट की बात करें, मरकरी, वेनस, नेपच्यून, तो ये आपका प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। टीचर कॉमन नाउन है। अब अगर टीचर का आप वहाँ पे एक नेम दे दें तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से इंजीनियर, मोबाइल, मोबाइल भी, मोबाइल में जैसे कई कंपनियाँ मोबाइल का मॉडल लॉन्च करती हैं, तो अगर मॉडल से अगर आप उनका नाम देते हैं तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे मोबाइल मीन्स सिंपल कॉमन नाउन हो गया। जैसे मोबाइल में रियलमी C5 हो गया, आपका ओप्पो Reno5 प्रो हो गया, रेडमी Note 5 हो गया। चैनल, चैनल देख लें तो चैनल कॉमन है। लेकिन अगर चैनल का नाम दे दिया जाए, जैसे आपका यूट्यूब में राज्यसभा TV का चैनल होता है, अभी आप जो देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ये भी एक प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन ओनली चैनल की बात की जाए तो ये कॉमन नाउन में आएगा। उसी प्रकार से गेम, गेम भी आपका कॉमन नाउन है। लेकिन अगर गेम को नाम से कैटेगराइज करा दिया जाए, एक नेम दे दिया जाए, जैसे PUBG, फ्री फायर, तो ये फिर आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब हम लोग कॉमन नाउन के सम इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से कॉमन नाउन पर रूल बने हुए हैं। तो जो फर्स्ट रूल है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सम इम्पॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू कॉमन नाउन। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू कॉमन नाउन, फर्स्ट रूल देखते हैं। व्हेन इट इज यूज्ड एज सिंगुलर, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, बट प्लूरल वर्ब इज यूज्ड when plural common noun is used as subject। तो ये first rule है, when it is used as singular, जब common noun को singular के रूप में use किया जाएगा तो इसके साथ verb भी singular होगा। but प्लूरल वर्ब इज यूज वेन प्लूरल कॉमन नाउन इज यूज एज सब्जेक्ट। लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल कॉमन नाउन के रूप में यूज होगा तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं,
द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, टीचर्स आर नॉट taking the class, a boy is making a noise, the boys are making. तो द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे जो टीचर है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और आप देख रहे हैं कि इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर है। सेकंड एग्जांपल पर आते हैं, टीचर्स ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, प्लूरल कॉमन नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी हमारा प्लूरल यूज किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल में ए बॉय, यहाँ पे बॉय जो है ये सिंगुलर कॉमन नाउन है तो सिंगुलर कॉमन नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आपका है ए बॉय इज मेकिंग ए नॉइज। लेकिन बॉयज जैसे ही हम इसको प्लूरल कॉमन नाउन करते हैं इसके साथ वर्ब भी प्लूरल हो जाता है, तो बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। सेकंड रूल पर आते हैं, आर्टिकल ए एन और द, आर्टिकल ए एन और द इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल ए एन और द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल देखें, ए बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड एंड एपल्स अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सी इज एन एक्ट्रेस। इन तीनों एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं आर्टिकल ए एन और द इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, तो यहाँ पर बॉय जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन होने के कारण यहाँ पे हमें आर्टिकल ए एन या द का हम यूज कर सकते हैं। तो ए बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। सेकंड एग्जाम्पल देखें, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यहाँ पे एपल सिंगुलर कॉमन नाउन है, यहाँ पे हमने एन यूज किया, डे के पहले भी ए यूज हुआ, कीप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर भी आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है और इस कारण से यहाँ आपका द यूज हुआ। सी इज एन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन, इस कारण से यहाँ भी आपका एन यूज हुआ। अगर हम यहाँ से आर्टिकल हटा दें तो भी सही है, लेकिन हम इनके साथ आर्टिकल ए एन और द का यूज करते हैं। अब इसके बाद थर्ड रूल की बात करते हैं, नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर
प्लूरल कॉमन नॉन। प्लूरल कॉमन नॉन के पहले कोई भी आर्टिकल ए एन या द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। ए बॉय बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। इन दोनों सेंटेंस में हमारा जो रूल है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल नॉन, प्लूरल कॉमन नॉन। तो प्लूरल जब कॉमन नॉन होगा तो उसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इस हिसाब से आपका जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है वो रॉन्ग है। तो हमें डायरेक्ट लिखना है विदाउट एनी आर्टिकल, बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज। अगर स्टूडेंट्स रहे तो उसी हिसाब से, जैसे स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर जैसे ही प्लूरल हो जाता है आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। तो उस हिसाब से हमारा जो सेंटेंस नंबर जो आपका थर्ड है वो करेक्ट है, क्योंकि प्लूरल कॉमन नॉन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर नहीं किया गया है। बट फोर्थ सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स यानी प्लूरल कॉमन नॉन है और इसके साथ द का यूज कर दिया गया है, इस कारण से ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। हाँ, फिर ये फोर्थ रूल में हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्लूरल कॉमन नॉन के पहले द का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कोई पार्टिकुलर एक्शन को अगर कर रहा हो तब। एग्जांपल से पहले रूल लिख लेते हैं, आर्टिकल द कैन बी यूज्ड विथ प्लूरल कॉमन नॉन if it is acting a particular action। Article the can be used with plural common noun if it is acting a particular action। ये जब एक विशेष प्रकार के एक्शन को करता हो तब हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ आप देख रहे हैं कि द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश, विद्यार्थियों का काम ही होता है पढ़ाई करना, तो यहाँ पे कोई पार्टिकुलर एक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसको इस प्रकार से देखा जाए, स्टूडेंट्स आर फ्लर्टिंग देयर लेडी टीचर। नेक्स्ट देखें, द स्टूडेंट्स आर फ्लर्टिंग देयर लेडी टीचर। तो ये जो आपका है, स्टूडेंट्स आर फ्लर्टिंग देयर लेडी टीचर, स्टूडेंट का काम फ्लर्ट करना नहीं है बल्कि स्टूडेंट का काम पढ़ाई करना है। तो यहाँ पे पार्टिकुलर एक विशेष एक्शन दिखाया जा रहा है, उस हिसाब से ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे एक विशेष पार्टिकुलर एक्शन का पता चल रहा है, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। तो द स्टूडेंट्स आर फ्लर्टिंग देयर लेडी टीचर, विद्यार्थी का काम छेड़खानी करना नहीं है बल्कि पढ़ाई करना है। तो इस हिसाब से आपका सेंटेंस सेकंड सही है, फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो आज आपने देखा कॉमन नॉन का कुछ इम्पॉर्टेंट्स रूल, जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स थे। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको लगता है कि हमने इससे कुछ सीखा है तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें।